साथियों आप अगर इस टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स पर एक्टिव हो तो फ्रेंड्स आपको इस तरह का जो नेम आर्ट वाला वीडियो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आप भी अगर अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए इस तरह का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना होगा। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको इसी वाले वीडियो को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना बस इतना ही है, मैं अपनी फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना उसको ऑन करता हूँ। पहले तो देख सकते हो मैंने अपनी फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर गूगल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर गाइस आपको लिख के सर्च करना है अरवन जंगली फॉन्ट। जब आप इतना लिख के सर्च करोगे कुछ इस प्रकार के आपके सामने रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है इसी को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। जब साथियों आप यहाँ पर ओपन करोगे साइट को तो देख सकते हो सेम फॉन्ट आपको इस जगह पे देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बगल में डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके ये जो फॉन्ट है इसको अपने फाइल मैनेजर में सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये गाइस एक जिप फाइल है, जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे इस फोन में गाइस यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करने का सिस्टम है नहीं, सो मैंने क्या किया प्ले स्टोर से RAR इस वाले ऐप को इंस्टॉल करके यहाँ पर मैंने ओपन किया। यहाँ पर गाइस जो मैंने यहाँ पे फाइल डाउनलोड किया है उस वाले फाइल को मैंने यहाँ पे सेट किया, उसके बाद मैंने इस वाले फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। देख सकते हो फाइल मेरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सो आपको भी यही काम कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ पे फोटो पहले एडिट करना है, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना होगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में पिक्सल लैब ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐप का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। आप इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, यहाँ पर साथियों आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो यहाँ पर गाइस न्यू टेक्स्ट बोल के दिख रहा है, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है, उसके लिए दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रॉम गैलरी वाला के ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको माउंटेन का जो फोटो है उस वाली फोटो को दोस्तों आप यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे कि भाई हम ये वाला माउंटेन वाला फोटो कहाँ से लोड करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से जाके पिक्सल्स बोल के एक ऐप है इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इस वाले ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा और जो सर्च वाला ऊपर में ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है ग्रीन माउंटेन। जब आपने लिख के सर्च करोगे कुछ इस तरह का आपके सामने रिजल्ट आएंगे। सो आपको यहाँ पे जो भी फोटो आपको अच्छा लगता है उस वाली फोटो को आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और इसको दोस्तों मैं यहाँ पर वापस से कुछ इस तरह से सेव कर लेता हूँ। आपको भी दोस्तों इसी तरह से अपना जो फोटो है उसको आपको सेव कर लेना होगा। फोटो दोस्तों सेव हो जाने के बाद वापस से अभी आपको आना होगा अपना पिक्सल लैब ऐप पर। यहाँ पर गाइस जो कुछ है इस तरह से 1:1 एक्सपेक्ट रेशियो का आप यहाँ पर सेट कीजिएगा कुछ इस तरह से, देन आपको यहाँ पर ओके प्रेस अप कर देना होगा। देख सकते हो दोस्तों मेरा जो फोटो यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों जो न्यू टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर मैं यहाँ करता हूँ डबल टैप और यहाँ पर मैं लिखता हूँ JSR का लोंडा। मेरे चैनल का अपना नाम लिख लिया, आपको दोस्तों अपना नाम लिख लेना है या फिर अपने किसी खास पर्सन का अगर नाम लिखा है उसका भी लिख लीजिएगा, ठीक है। देन आपको ओके प्रेस यहाँ पर करना होगा। अब कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर जो फॉन्ट है इसको आपको चेंज करना है जो फॉन्ट अभी आपने लोड किया उसके साथ। उसके लिए दोस्तों आपको इस वाले एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर स्लाइड अगर आप यहाँ पर करोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ फॉन्ट दिखेगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है। जितने सारे गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट पिक्सल लैब ऐप पर दिए होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साथियों आपको माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर इस वाले थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फ़ोन का मॉडल नंबर है इसी पर गाइस आप यहाँ पर लॉगिन अंदर जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आपको फोल्डर को ओपन करना है, देन आपका जो फाइल है उसको लॉन्ग प्रेस करके रख के सिलेक्ट आपको कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप सिलेक्ट करोगे देख सकते हो मेरा जो फॉन्ट है यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके ओके आप यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया देख सकते हो मेरा जो नाम है यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस मैं इसको कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट करके कुछ इस टाइप से इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। रखने के बाद साथियों ये जो फोटो है आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, उसके लिए दोस्तों पहले आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज इमेज वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर JPG फॉर्मेट में आपको अल्ट्रा में रख के अपना जो फोटो है इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। अब गाइस एडिटिंग के लिए आप कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर VN का यूज़ कर रहा हूँ,
तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे VN ऐप को ओपन किया। अब मैं यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके फोटो वाले ऑप्शन में जाके जो मैंने फोटो बनाया है उस वाली फोटो को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद साथ हूँ आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जाके 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को क्लिक करना होगा। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा स्लाइड करोगे तो फिल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। या फिर इस पर अगर एडजस्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इस तरह से आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जिस तरह से किया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बीजी वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पर आप इमेज वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हो मेरे यहाँ पे आ चुका है। सो मैंने इसको कुछ इस तरह से इसको इतना मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देन मैं ओके प्रेस यहाँ पर कर लूँगा। अब साथ ही आपको यहाँ पे एफएक्स वाले ऑप्शन में जाना है। देन जो सा भी आपको यहाँ पे एफेक्ट्स अच्छा लगता है उस वाले एफेक्ट्स को आपको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से आप इसको बढ़ा दीजिएगा। देन एंड में जाके जो VN का वाटर मार्क है इसको अपडेट करके मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब साथियों देख सकते हो मेरा जो वीडियो है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बट इस वाले इफेक्ट के साथ उतना भी नहीं लग रहा है यार, तो मैं यहाँ पर और एक कुछ डालता हूँ, इस वाले को डालता हूँ, ठीक है, इसमें अच्छा लग रहा है, इसको मैं रखता हूँ इतना। अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। अब देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पे कितना भी मस्त लग रहा है। और वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करना है, 1080 60 FPS पर अपना वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के टीटो के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।